हेलो बच्चों, सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो है ये आपको मैं स्प्रिंग मास सिस्टम पे बना रहा हूँ। स्प्रिंग मास सिस्टम आपको पता है, अगर किसी भी स्प्रिंग को और मास को आपने अटैच किया है उसको बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने मास जो दे रखा है वो 10 kg ले रखा है और K की वैल्यू है वो 30 न्यूटन पर मीटर ले रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने दे रखा है। इनिशियली अपना सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, राइट? तो इनिशियल पोजीशन पे अपने पास क्या है, जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें सारे के सारे एनर्जी स्टोर है, वही मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल भी है। अब देखते हैं इसमें, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इसको थोड़ा सा मैं रन कराता हूँ, इसको मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ। डिस्प्लेस करने के बाद आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन दोनों का सम क्या है, हमेशा ही कॉन्स्टेंट है। आप किसी भी इंस्टेंट पर अगर बात करोगे, किसी भी इंस्टेंट पर बात करो, देखो जैसे मान लो मैंने इस इंस्टेंट पर देखा, इस इंस्टेंट पे अगर रुका तो आप इसमें एक चीज़ आराम से देख सकते हो कि US प्लस K, US मीन्स स्प्रिंग की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी अपनी एनर्जी है वो आ गई, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यूजी जो है, यूजी में जितना लॉस हुआ है वो कहाँ पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी आया है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आया है उसमें चेंज हो गया है। मीन्स जो भी इनिशियली हमारे पास क्या थी, रन एक बार और करते हैं, आप देखो इनिशियली टोटल हमारे पास एनर्जी क्या थी, इसमें टोटल एनर्जी थी यूजी। जैसे ही मैंने इसको रन किया, रन करते हुए क्या हुआ, ब्लॉक के पास थोड़ी सी वेलोसिटी आई एंड वेलोसिटी के साथ में इसमें क्या होगा, स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, यानी टोटल एनर्जी तो अपनी कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो किसी भी इंस्टेंट पे बात करोगे तो आप ध्यान से देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ये SHM परफॉर्म करता है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है? और जो तो आपके पास टोटल इनिशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद थोड़ा सा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज में चला जाता है और थोड़ा क्या को एनर्जी में चला जाता है, लेकिन ओवरऑल जो नेट एनर्जी होती है MgX प्लस हाफ KX² प्लस हाफ MvA², ये टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी इंस्टेंट में कॉन्स्टेंट होती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, अब वो क्या है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक इंस्टेंट इसमें ऐसा भी आ रहा है जब इसका क्या होगा, एक टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। जैसे ये वाला, इसको आप देखो ध्यान से, हाँ अब ये आ गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम कहाँ पे होती है, आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजिशन पे होती है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम सबसे एक्सट्रीम पे होती है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होती है, वो एक्सट्रीम पे होती है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हाँ बहुत इसमें फास्ट मूवमेंट हो रहा है, बट आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हाँ स्प्रिंग की एनर्जी ज़्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, यानी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। चलो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये एनिमेशन से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।